हाय गाइस, वेलकम बैक। आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए अफोर्डेबल इंडियन स्किन केयर। ये सारी स्किन टाइप के लोगों के लिए अच्छा है और ये होने वाली एक डिटेल वीडियो। फेस वॉश में मैं आपको सजेस्ट करूंगी सेटाफिल, ये बहुत अमेजिंग क्लेंजर है। कंसिस्टेंसी आप देख सकते हैं, बहुत ज्यादा फोमी नहीं है, एकदम लाइट फील करेगा स्किन पे। इसमें अलग अलग वेरियंट्स भी आते हैं, पानी बहुत ठंडा है बट मजा आ गया। एक और बहुत ही अच्छा कामिंग क्लेंजर अरोमा मैजिक का कैमोमील फेस वॉश, ये भी सूटेबल है ऑल स्किन टाइप्स के लिए। इसमें है छोटे छोटे बीड्स। ये सारे प्रोडक्ट्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। बायो पपाया एक्सफोलिएटर फ्रॉम बायोटिक बहुत अच्छा ऑप्शन है। इसकी प्राइस है 75 एंड ये बहुत अच्छा एक्सफोलिएटर है। इसमें छोटे छोटे ग्रैन्यूल्स हैं जो आपके फेस को बहुत अच्छे से एक्सफोलिएट करेंगे, स्पेशली ब्लैकहेड्स के लिए बहुत अच्छा है। आई सजेस्ट बहुत लाइट हैंडेडली आप इसे यूज करें। अब क्लोज देखो, मैं अपनी नोज के ब्लैकहेड्स को कैसे एकदम बाय बाय बोल रही हूँ। ट्वाइस अ वीक काफी अच्छा प्रोडक्ट। वह यूथ का ग्लो पील ऑफ मास्क काफी अच्छा ऑप्शन है। अगर आपको इंस्टेंटली ग्लोइंग स्किन चाहिए तो आप इसको अप्लाई करें। थोड़ा स्टिकी है और थिक फॉर्मूला है बट इसको लगाने के बाद आपकी स्किन एकदम सॉफ्ट हो जाएगी। मेक श्योर कि इवन लेयर अप्लाई करो एंड इसका अच्छे से ड्राई होने का वेट करना पड़ेगा। एक छोटी सी टिप, अपने बालों को अपने फेस से बिल्कुल दूर करना, मेरी तरह एकदम फंसा मत देना बालों को। रखने के बाद इसे निकालेंगे और मेक श्योर आप अपने फेस को एक एंड से पकड़ लें। बहुत तेज खींचोगे तो स्किन रेड हो जाएगी, इजिली आपकी स्किन से पील ऑफ हो जाएगा। आप इसे ऐसे तोड़ तोड़ के ही पील ऑफ करना, एक साथ पील ऑफ बिल्कुल भी मत करना। सॉफ्ट स्किन रेडी। अब है बारी टोनर्स की, तो ये अल्कोहल बेस्ड टोनर है। इसमें है थोड़ी एस्ट्रिंजेंट प्रॉपर्टीज, तो थोड़ा सा स्टिंग कर सकता है बट काफी अच्छा क्लेंजर। दूसरा मेरा ऑल टाइम फेवरेट कामा आयुर्वेदा का प्योर रोज वाटर, आई लव दिस। ये थोड़ा एक्सपेंसिव है बट डेफिनेटली अ मस्ट हैव। मॉइस्चराइजर्स, पॉन्स लाइट मॉइस्चराइजर में कैसे ना मेंशन करूं। ऑयली स्किन टाइप्स ये वाला मॉइस्चराइजर डेफिनेटली यूज करें, बहुत अफोर्डेबल है, बहुत लाइट है, बिल्कुल ऑयली नहीं है, बिल्कुल ग्रीसी नहीं है, काफी लाइट है स्किन पे, बहुत अच्छी फिनिश है, एब्सोल्युटली अ मस्ट हैव। ये है मेरा विंटर सेवियर बायोटिक का मॉर्निंग नेक्टर क्रीम। ड्राई स्किन टाइप्स डेफिनेटली यूज करना, बहुत नरिशिंग, बहुत मॉइस्चराइजिंग है, बिल्कुल भी थिक नहीं लगता है स्किन पे और बिल्कुल भी स्टिकी नहीं है, तो डेफिनेटली गिव दिस अ ट्राई। Another one which I will definitely suggest is Rogan Badam Sherin। अगर आपकी स्किन है सुपर ड्राई, ये आपके पास होना चाहिए। इसकी मैं जितनी तारीफ करूँ उतनी कम है, ये इतना अमेजिंग ऑयल है। प्योर एलमंड ऑयल, ग्रेट फॉर मसाजिंग, ग्रेट फॉर विंटर्स, ये तो आपके पास होना ही चाहिए। इसे यूज करते ही आपका फेस एकदम ग्लोई हो जाएगा। ऊपर से ये प्योर एलमंड ऑयल है तो ये आपकी स्किन को इतने बेनिफिट्स देगा। इसमें एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज है, ये एक्ने स्कार्स को फेड करता है। आप इससे अपने चैप लिप्स को भी हील कर सकते हैं। स्किन केयर का बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है सनस्क्रीन। न्यूट्रीजीना का SPF 50 मेरा फेवरेट सनस्क्रीन है। इसकी प्राइस है 199 इंडियन रुपीस। स्किन पे काफी लाइट, नॉन ग्रीसी, नॉन ऑयली, नॉन कोमीडोजेनिक। अच्छी लगी तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। बाय।